हेलो बच्चों, कुछ बच्चों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि रिवीजन करते समय उन्हें थ्योरी रिवाइज़ करना चाहिए या फिर उन्हें क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करना चाहिए। तो देखो, पहला चीज़ तो यह है कि रिवीजन में आर ई आता है, री वर्ड आता है। उसका मतलब क्या है कि मैंने मेरे को थ्योरी पढ़ी हुई होनी चाहिए, चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी उसके बाद जब हम दोबारा उससे पढ़ेंगे वो रिवीजन बोला जाता है। ये मैंने क्यों बोला, कुछ बच्चों को मैंने देखा है, पता नहीं उन्होंने कहाँ से ट्विटर पे ज्ञान लिया है या कहाँ पे यूट्यूब पे ज्ञान लिया है, वो बोलते हैं कि मैंने चैप्टर अभी तक पढ़ा ही नहीं है एक बार भी, और मेरे फलाने सर ने बोला कि क्वेश्चन करो अपने आप थ्योरी सीख जाओगे। दिस इज़ नॉट ए राइट वे। ऑफ कोर्स अगर मेरे को थ्योरी नहीं पता है तो क्वेश्चन कर करके हम थ्योरी नहीं सीख सकते, और अगर कोई बच्चा ऐसा ट्राई कर भी रहा है तो वो बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है अपनी प्रिपरेशन के साथ। बिकॉज फिर क्या होगा कि अगर हम क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी सीखने की कोशिश करेंगे, हमारे दिमाग में इतने उल्टे सीधे चीज़ें बन जाएंगी कि उसको मिटाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, फिर वापस जीरो पे लाने के लिए सब कुछ हैफेजर्ड हो जाएगा दिमाग में। तो पहली बात तो ये है कि रिविज़न करने का तभी सेंस बनता है जब मैंने एक चैप्टर एक बार पढ़ रखा है, अच्छी तरीके से वीडियोज़ वगैरह देख रखे हैं, या फिर जो भी क्लास है वो हमने ढंग से अटेंड कर रखी है। उसके बाद की बात होती है कि एक बार पढ़ा वो समझ में आ गया, अब रिवीजन का मतलब क्या है कि वो मेरे दिमाग में अगर फेड हो गया है तो उसको वापस रिकॉल करना है। तो आइडियली तो ऑफकोर्स हमें थ्योरी एंड क्वेश्चन दोनों ही करने चाहिए, बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन आई विल से मैक्सिमम बच्चों के पास टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि हम केवल थ्योरी पढ़ें, जो भी क्लास नोट्स हैं उनकी एक बार रिवीजन कर लें। तो उससे क्या होगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे दिमाग में सारे फ्रेश हो जाएंगे, और क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको भी अगर हमने एक बार ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं तो दोबारा वो मैक्सिमम केस में देखते याद आ जाएगा कि हम क्या कर रहे थे, वरना सोल्यूशन के दो तीन लाइन देखो, ग्लांस देने से ही काफ़ी कुछ काम हो जाएगा। और इतना ही करें, मतलब अगर हम ज़बरदस्ती क्वेश्चन उठा के बैठ जाएं फिर हो सकता है कि हमारे 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर रिवाइज ही ना हो पाए, तो दैट इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जब जैसे अभी कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकता है जिनका सिलेबस अभी 2 महीने बाद ख़त्म होने वाला है, तो ऐसे बच्चों के लिए तो आई विल से कि हम थ्योरी जो भी तुम्हारे नोट्स हैं उसको एक बार रीडिंग मारते रहो जब तक कोर्स खत्म होगा। अगर तुमने 2-3 बार रीडिंग मार लिया तो फिर यू विल बी परफेक्टली फाइन। अगर टाइम अवेलेबल है तो ऑफकोर्स एक बार रीडिंग मारने के बाद नोट्स का अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, इसका तो कोई मतलब कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, वंस वैन सिलेबस इज़ फिनिश्ड और अगर तुमने 2-3 बार रिविज़न कर लिया है नोट्स के थ्रू, उस टाइम पर फिर तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छी खासे। बट अगर हम बोलेंगे मेरे पास टाइम अवेलेबल है, या तो मैं थ्योरी पढ़ सकता हूँ या फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो दैट डिपेंड्स। अगर मैंने थ्योरी ऑलरेडी 1-2 बार पढ़ रखा है तो फिर अब केवल क्वेश्चन ही कर सकते हैं, बट अगर मैंने बोला कि एक बार भी मैंने रिवाइज ही नहीं किया तो आई विल से कि तुम्हें क्लास नोट्स पढ़ने चाहिए, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल। ऑल द बेस्ट।